अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलेवंथ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा सेवन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ये दो अलग अलग टाइप ऑफ मोशन हैं हमने इन दोनों टाइप ऑफ मोशन के दरमियान एक रिलेशन को डिस्कस करना है एक कनेक्शन को डिस्कस करना है कि इनमें क्या कनेक्शन पाया जाता है बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते इस टॉपिक से थोड़ा सा घबराते हैं इनकी डेरिवेशन से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये वो क्वेश्चन होगा जो पेपर में आप सबसे पहले अटैम्प करेंगे ओके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या वाकई ही इस सर्कुलर मोशन और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें कुछ रिलेशन पाया जाता है एक छोटी सी एक्टिविटी से आपको समझाता हूँ बच्चों ये मेरे पास एक बॉल है ठीक है जिसको मैंने इसे एक एक थ्रेड से अटैच किया हुआ ठीक है मैं इसको सर्कुलर पाथ में घुमाता हूँ आपने इसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है अब इस वक्त आप इसको टू एक्सिस पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस आपके सामने ये टू डायमेंशनल मोशन आपके सामने है ठीक है थीके? ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है बॉल ठीक है ओके अब इसी बॉल को अगर मैं आपको एक एक्सिस से दिखाऊं यानी एक नए एंगल से दिखाता हूं सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये बॉल सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रही बल्कि एक फिक्स पोजिशन से ऐसे आगे पीछे मूव कर रही है ज़रा देखिएगा अब मैं इस बॉल को यहाँ से पकड़ता हूँ और यूँ घुमाता हूँ अब जरा इसकी मोशन को ऑब्जर्व कीजिए आपको ऐसा फील होगा जैसे ये एक फिक्स पोजिशन से आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है बल्कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रही तो यहाँ से क्या सीखा आपने कि बेसिकली सर्कुलर मोशन को जब आप उसको एक डायमेंशन से देखते हो यानी अलोंग द एक्स एक्सिस देख लो उसको या अलोंग द वाई एक्सिस तो आपको ऐसा फील होता है ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रही बल्कि ये एक फ़िक्स पोजिशन से आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है ऐसे ऐसे पहले कैसा था जो इस तरह मूव कर रही थी ऐसे और अब उसी मोशन को जब हमने एक एंगल से ऐसे एंगल से देखा यानी एक एक्सिस से देखा अलोंग द एक्स एक्सिस तो वो आपको एक फिक्स पोजिशन से ऐसे ऐसे मूव करती दिखाई दी और अगर आप इस तरफ से देखें तब भी आपको ये इस तरह से मूव करती दिखाई देगी ऐसे ऐसे तो मतलब ये है कि ये एक तरह की जो एक फिक्स पोजिशन से आगे पीछे वाइब्रेटरी मोशन थी इसका इस सर्कुलर मोशन के साथ कुछ कनेक्शन मौजूद है ठीक है इसी कनेक्शन को आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है ठीक है बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है ठीक है ये वो सर्कुलर पाथ है ठीक है ना इस तरह से घूम रही है अब इसकी मोशन को ना हमने ऑब्जर्व करना है हमने यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे एक लाइट लगा दी है जिससे सीधा नीचे लाइट आएगी और इधर यहां पर हमने एक स्क्रीन रखी है ठीक है बच्चों अब ये बॉडी समझ लें या कोई एक बॉल समझ लें ये जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका जो शेडो है वो इस स्क्रीन के ऊपर यहां पर पड़ेगा ठीक है अच्छा अब क्या होता है कि हम इसको जब सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हैं तो आप देखते हैं कि इसका शेडो जो है वो भी इसके साथ साथ मूव करेगा किस तरह से जरा देखिएगा बच्चों अब ये बॉडी जो है ना इस वक्त हमारे पास इस पोजीशन पर है यहां पर ठीक है तो इसका जो शेडो इस वक्त पड़ रहा होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा इस पोजिशन के ऊपर यहां इसका शेडो दिखाई देगा आपको ठीक है अब ये बॉडी क्या करती है अरे ये बॉडी यहां से मूव करते हुए एक नई पोजिशन पर आ जाती है यहां पर ठीक है तो इसका शेडो कहां पर आएगा इसका शेडो बच्चों यहां पर बिल्कुल इसके साथ नीचे ऐसे आएगा यहां पर दिखाई देगा अब शेडो यहां से यहां तक इस तरफ को मूव किया फिर क्या होता है ये बाल घूमते हुए एक नई पोजीशन पर आ जाती है यहां पर ठीक है तो आप देखते हैं कि इसका जो शेडो है वो भी उसी तरह से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा अब शेडो एक नई पोजीशन पर आ जाएगा यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ था यहां से मूव करता हुआ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये मैंने एक और पॉइंट के ऊपर इसको दिखा दिया उसके बाद ये बॉल यहां से मूव करती है जब इस पोजीशन पर आएगी एक नई पोजीशन के ऊपर यहां पर तो इसका भी इसी के साथ साथ आगे एक नई पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा तो शेडो आपको इसका मिलेगा कुछ यहां पर ठीक है फिर क्या होगा फिर ये घूमता हुआ इस पोजीशन पर आ जाएगा ऐसे और अब की बार आपको शेडो फिर आप इसको एग्जैक्ट इसी के नीचे मिलेगा ऐसे अब जरा ऑब्जर्व करो ये बॉडी यहां से ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करके आई है यहां से ऐसे और इसका जो शेडो है वो इस होरिजेंटल पाथ के ऊपर मूव करके आए यहां से ऐसे फिर क्या होता है अब ये सर्कल कंप्लीट करेगी ये यह यहां से मूव करती हुई लेट सपोज यहां पर इस पोजीशन पर आ जाती है यहां पर ठीक है ये इसकी एक नई पोजीशन है यहां पर तो क्या होगा ये इसका शेडो भी यहां से मूव करता हुआ एक नई पोजीशन पर चला जाएगा यहां पर अब ये यह यहां से शेडो वापस मूव करके आए इधर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर फिर क्या होगा फिर ये बॉल मूव करती हुई जब यहाँ पर इस पोजीशन पर आ जाएगी तो इसका शेडो भी साथ साथ मूव करता हुआ इसी पोजीशन पर आ जाएगा ऐसे इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा शेडो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया फिर क्या होता है फिर ये बॉल आगे मूव करती जा रही है और तो इस नई पोजीशन पर आती है यहाँ पर तो इसका शेडो भी साथ साथ मूव करता जाएगा इस नई पोजिशन तो पर आ जाएगा ऐसे फिर ये बॉल यहाँ से मूव करती हुई यहाँ से इस पोजिशन पर आएगी तो साथ ही साथ बच्चों इसका जो शेडो है वो भी इसी के साथ मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा दोबारा बॉल इस पोजिशन पर आएगी तो इसका शेडो इस पर आ जाएगा अब जरा आपने ऑब्जर्व किया इस चीज को कि ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म की है ऐसे लेकिन इसका जो शेडो है इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक तरह से फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव किया यहां से इधर आई फिर यहां से वापस इधर गई यहां पर सेंटर में कोई तो इसकी फिक्स पोजीशन है उसकी गिर्द ये बॉडी वाइब्रेट की है अब इस तरह से ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमती रहेगी ऐसे 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 और उसका शेडो ऐसे हॉरिजॉन्टल पाथ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा ऐसे ऐसे ठीक है तो यहां से आपको फिर एक बात क्लियर हो जाती है कि इस सर्कुलर मोशन का जो शेडो था वो यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है आप यू भी कह सकते हैं कि इसकी बॉडी की जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से अलोंग द एक्स एक्सिस एक फिक्स पोजिशन से आगे पीछे एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है अब ये वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं इसको हम आगे चल के प्रूव करेंगे लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डाउटफुल ये हमारे पास आ गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्लियर करेंगे यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं मैं आपको तमाम बातें डिटेल के साथ पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा ठीक है लेकिन यहाँ पर आपने एक बात देख ली कि ये बॉडी जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है इसका शेडो इसके जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर वाइब्रेट कर रहा है अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द ही ये वाइब्रेट करता है इसका शैडो अगर आप ये लाइट यहाँ की बजाय इस तरफ से ऐसे फेंको तो ये स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लगा दो तो यही इसका शैडो जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा लाइक दिस ठीक है तो बच्चों यहाँ से आपको आइडिया हुआ कि एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है उसका उसका जो शेडो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या अभी आप ये सिर्फ कह लें कि उसका शेडो जो है वो वाइब्रेटरी मोशन मोशन परफॉर्म परफॉर्म करता है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक करने के लिए कुछ और भी कंडीशंस हैं सिर्फ ये कह देना कि बॉडी फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही है वो नाकाफी है ओके तो बच्चों ये आपने देख लिया आपको एक कनेक्शन समझ आगे हो गया क्या हाँ वाक्य ही कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस सर्कुलर मोशन के साथ कुछ कनेक्शन जरूर है ठीक है अब कुछ जो हमारी बुक्स हैं उसमें यह डायग्राम दी हुई है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस डायग्राम से तो इसलिए मैंने दोनों डायग्राम आपको एक्सप्लेन करनी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली इसका जो शेडो है वो अलोंग द होरिजेंटल इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था ठीक है अब मैंने आपसे कहा था कि ये वर्टिकल भी होती है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर अब इसकी जो है वो हम वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है अब देखो बच्चों ये एक सर्कुलर पाथ है जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट ने ऐसे सर्कल में मूव करना है ठीक है हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि किस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो जो वेव फॉर्म है वो हम ड्रा कर सकते हैं किस तरह से हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए हमने देखा था कि एक हमें मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम चाहिए ठीक है और एक जो है वो एक हमें शीट ऑफ पेपर चाहिए ठीक है जो कि जिसके ऊपर एक टाइम स्केल हो वो ऐसे आगे की तरफ मूव करती रहेगी टाइम स्केल वाली शीट और ये बॉडी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी यहाँ पर एक पॉइंटर होगा तो ये इस तरह से इसकी एक वेव ड्रा कर देगी या इसको सिंपल हारमोनिक मोशन को ग्राफिकली यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर देगी ठीक है तो यहां पर हमने सर्कुलर मोशन बनाई है और यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने ग्राफिकली डिस्प्ले किया है और मैं दिखाऊंगा कि जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी परफॉर्म कर रही है उसी तरह से इस बॉडी का जो शेडो कह लें इस बॉडी का जो एक प्रोजेक्शन है वो अलोंग द वर्टिकल एक्सिस उसी तरह से मूव करता है ठीक है अब जरा पहले ये देखिए क्या वाकई वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मूव करती है या नहीं करती ठीक है बच्चों जरा देखिए ये बॉडी जो है वो यहां से ऐसे घूमेगी ऐसे ठीक है इस तरह से घूम के आ रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर ठीक है हम मान लेते हैं कि वो बॉडी जो है वो हमारे पास ये मार्कर है ठीक है ये इस वक्त इसकी जो सर्फेस है द एक्स एक्सिस कह लें आप इस सर्फेस के ऊपर पड़ा हुआ यहां पर अब इसकी हाइट मान लीजिए जीरो है ठीक है अब जैसे जैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है इसने कुछ हाइट गेन कर ली ऐसे ठीक है जब यहां से यहां तक आता है तो इसने इस मेन पोजीशन से एक मैक्सिमम हाइट गेन कर ली फिर ये यहां से जाता है तो ये वापस अपनी हाइट कम करता जा रहा है फिर उसी पोजिशन मीन पोजिशन के ऊपर चला गया फिर नीचे जाएगा अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और रिवर्स डायरेक्शन में मीन से दूर जाता जा रहा है इस पोजिशन पर आएगा तो मीन पोजिशन से मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया फिर यहां से इधर आता तो फिर ये मीन पोजिशन के ऊपर आ गया तो यहां पर हमने देखा बेसिकली कि इसकी जो प्रोजेक्शन है इस लेवल से ऊपर जाती है ऐसे मैक्सिमम पॉइंट तक फिर इस लेवल से नीचे आती है मीन पोजिशन पर फिर इस लेवल से नीचे जाती है मैक्सिमम पॉइंट तक फिर इस लेवल जो ऊपर आती है मेन पोजिशन तक और जो एक मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम है वो कैसे वाइब्रेट करता है वो भी तो ऐसे ही करता है कि फिक्स पोजिशन से बॉडी ऐसे ऊपर जाती है मैक्सिमम पोजिशन तक फिर वापस नीचे आती है मेन पोजिशन तक फिर यहाँ रुक नहीं सकती नीचे जाती है दोबारा नीचे वाली जो एक्सट्रीम पोजिशन तक फिर वहां से वापस आती है मेन पोजिशन तक तो एक वेव मुकम्मल होती है ठीक है बच्चों अब इसको और जरा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं मान लीजिए ये स्टार्ट किया हमने जी जीरो से ऐसे जब ये जीरो पर है तो इसकी इस ऑब्जेक्ट की जो यहां पर पाया जा रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पाया जा रहा है इसकी इस एक्सिस से कुछ भी हाइट नहीं है जीरो है ठीक है इसी तरह जब ये मीन पोजीशन पर होता है तो इसका भी ग्राफ ये देखें जीरो पर होता है इसकी कुछ भी हाइट नहीं होती फिर चलते हुए किसी एक आविट्रेड डिस्टेंस पर ये पहुंचता है ऐसे ठीक है हम ऐसे ये पॉइंट ले लेते हैं यहां पर आते हुए इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया ठीक है जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसी तरह ये बॉडी भी मूव करते हुए अगर किसी एक इंस्टेंट पे आके हम इसको ऑब्जर्व करें तो उसका मेन पोजिशन से कुछ फासला हो जाता है उसको हम एक्स कहते हैं ठीक है अब जब हम ये देखेंगे कि ये बॉडी जीरो से लेकर टाइम पीरियड का वन फोर्थ पार्ट तक जो है वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इतना इतना अरसा वो मूव करती है तो ये तकरीबन अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ जाती है बच्चों ये जो कैपिटल टी है ना ये टाइम पीरियड है टाइम पीरियड कहते हैं टोटल टाइम जिस टाइम में ये एक सर्कल कंप्लीट करेगी या वो टोटल टाइम जिसमें ये एक वाइव वेव कंप्लीट होगी तो ये पूरा सर्कल टी टाइम में कंप्लीट होता है तो इसका वन फोर्थ पार्ट कितने टाइम में कवर होगा टी बायोर्थ पार्ट में तो जब इसको यहां से मूव करते हुए टाइम का चौथा हिस्सा गुजरता है यानी टाइम पीरियड का वन फोर्थ पार्ट तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाता है तो इस वेव को जरा ऑब्जर्व कीजिए ये भी जब अपने चौथे हिस्से पर आती है टाइम पीरियड के वन बाई फोर्थ पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ये भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होती है फिर हमने क्या देखा बच्चों जब ये यह यहां से घूम के इस पोजीशन पर आ जाती है ठीक है अब इसको टाइम कितना गुजर चुका है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड टाइम पीरियड का आधा टाइम गुजर चुका है तो ये किस पोजीशन पर है अब वापस ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ चुका है तो यहां देखिए टी बाय टी टाइम गुजरने के बाद ये कहां पर है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर फिर आगे बढ़ते हैं यहां से जब ये आगे थ्री टी बाय फोर टाइम इसको गुजरता है तो ये जो नीचे वाली है नीचे वाली एक्सट्रीम पोजिशन पर चला जाता है यहां पर देखिए जब थ्री बाय टी थ्री टी बाय फोर टाइम पीरियड गुजरता है ये भी अपनी जो नीचे वाली एक्सट्रीम पोजिशन वहां चला जाता है फिर ये वापस जब एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है ठीक है तो ये अपनी फिर से मीन पोजीशन पर चला जाता है और ये भी एक टाइम पीरियड जो एक कंप्लीट हुआ टाइम उसके बाद अपनी मीन पोजीशन पर चला जाता है टी टाइम पीरियड हुआ तो मीन पोजीशन पर टी टाइम पीरियड हुआ तो मीन पोजीशन के ऊपर तो बच्चों यहाँ पर आपने देख लिया कि इसकी इसका जो पर, एक, एक जो है हमारे पास प्रोजेक्शन है वो अलोंग द वाई एक्सिस बिल्कुल उसी तरह से वाइब्रेट करता है जिस तरह से एक मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का जो पॉइंटर है वो इस तरह से फिक्स पोजिशन से ऊपर नीचे मूव करता है समझ गए तो इनके दरमियान एक कनेक्शन जरूर पाया जाता है और उसी कनेक्शन को हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी परफॉर्म करती है तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो अलोंग द डायमीटर अब याद रखें मैंने अलोंग द डायमीटर बोला है वो इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकती है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस और इस तरह से भी मूव कर सकती है अलोंग द दरिजेंटल एक्सिस क्योंकि ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है तो किसी भी डायमीटर के अलोंग बॉडी जब वाइब्रेट करेगी ठीक है तो उसको इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं अच्छा जी तो हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो बॉडी मूव कर रही है उसकी प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर वाइब्रेट करती है अब सिर्फ वाइब्रेट करने से हम ये नहीं कह सकते कि यह सिंपल हारमोनिक मोशन है सिंपल हारमोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस होती है ठीक है वो क्या कंडीशंस है बच्चों मैंने यहां पर लिखे हैं। आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था या तो आप ऐसा लिख तो दो अगर नहीं कर सकते तो अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वीजन आपकी यूँ आनी चाहिए ये जो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ना वो इस इक्विजन से आना चाहिए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसको देख कर परेशानी होना अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल ईजी हो जाएगी आपके लिए इसको सिर्फ देख के आपने परेशानी हो जाना दूसरी बात आपने ये पढ़ा था कि एक्सलेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ये पढ़ा था उसकी जो एक और फॉर्म है लिखने की एक और तरीका वो ये है हमारे पास तो ये फॉर्म जब तक हमें मिलती नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है हाँ ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है जब ये कंडीशन पूरी करेगा तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ठीक है तो चलिए जी सबसे पहले इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वो रिलेशन निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई ऐसी इक्विजन मिलती है अगर हमें मिल जाए ऐसी इक्विजन तो हम कहेंगे ठीक है फिर ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है अच्छा बच्चो अब ये दो इक्विजन है एक ये वाली भी और एक ये वाली भी ठीक है इनमें से कोई एक आपको मिल जानी चाहिए और याद रहे यहां पर मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्रोजेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस भी वाइब्रेट करती है अलोंग द वाई एक्सिस भी वाइब्रेट करती है इधर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है इधर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है आप चाहें तो अलोंग द एक्स एक्सिस ले लें चाहे तो अलोंग द एक्स 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 तो वाई एक्सिस एक्स ले लें और हमारे लिए ज्यादा आसान होता है अगर हम अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स ले लें ठीक है बात समझ गए अच्छा अब देखो बच्चों यहां पर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ही इसको डायग्राम को डिस्कस किया तो हम सारी की सारी डिटेल जो है वो द एक्सिस ही डिस्कस करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट भी द एक्सिस फाइंड करेंगे इसकी वेलोसिटी भी द एक्सिस फाइंड करेंगे इसमें एक्सेलरेशन भी द एक्सिस ही फाइंड करेंगे समझ गए अच्छा हम वाई एक्सिस को डिस्कस नहीं करेंगे या अगर आप वाई एक्सिस में करना चाहते हैं तो फिर आप सारे के सारी चीजें जो है वो एक्सिस में लेंगे इसलिए आप एक्स एक्सिस में एक आपकी इक्वेशन एक्स एक्सिस में मिलेगी और अगर आप एक्सिस में लेते हैं तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी इसलिए मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो ठीक है ओके जी अब हम सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं जी डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए बच्चों ये बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है और साथ ही साथ इसकी जो प्रोजेक्शन है ना या इसका जो यहां पर क्या कहते हैं शेडो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है मान लीजिए हम उसको अभी सपोज कर लेते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ठीक है या वाइब्रेटरी मोशन मान लीजिए ये एक फिक्स पोजीशन है इससे आगे पीछे ठीक है तो जब यह किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पर होता है लाइक like इस पोजीशन के ऊपर अब इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है वो इक्वेशन हमें ऐसी इक्वेशन मिलनी चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ठीक है अच्छा जी तो बच्चों ये बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ठीक है अब इसका जो शेडो है वो ऐसे अलोंग द होरिजेंटल एक्सिस इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है इस वक्त इस पोजीशन पर जब ये पी पॉइंट के ऊपर है इसका शैडो जो है वो इस पोजीशन पर होगा अब इसका मेन पोजीशन से कुछ फासला है x उस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो बच्चों देखो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है मैं यहां ड्रा कर देता हूं ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ये पॉइंट पी इसको बोलेंगे q इसको बोलेंगे हम o यहां पर एंगल थीटा ठीक है और ये है वैल्यू x और ये है आर रेडियस इसका हमें नहीं पता ये क्या है ठीक है इसका हमें पता नहीं है ओके जी हमने फाइंड करना है जी ये एक्स को फाइंड करना है अब ये राइट एंगल ट्रा है ये वाली क्योंकि ये प्रोजेक्शन जो ड्रा करते हैं ना परपेंडिकुलर ड्रा करके करते हैं आप ये नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है अच्छा बच्चों हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है ये वाली ठीक है ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितना है क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे ठीक है कौन सी ट्रिग्नोमेटिक रेशियो इसके लिए सूटेबल रहेगी जरा बताइए आप हमें रिक्वायर्ड क्या है बेस हमें दी क्या गई है हाइपर ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेटिक रेशियो है जो बेस और हाइपर को डिस्कस करती है ठीक है जरा चेक कर लेते हैं अगर हम साइन की बात करें ठीक है साइन थीटा किसके इक्वल होता है सम पीपल परपेंडिकुलर की तो हमें वैल्यू पता नहीं है नहीं यूज कर सकते कॉस को देखते हैं कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर बेस और हाईपर्टन्यूस बेस हमें क्या है चाहिए और जो हाईपर्टन्यूस हमें दिया गया तो ये वाली ट्रिगनोमेटिक रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है अगर हम टेन की बात करें तो टेन भी आप यहां पर यूज नहीं कर सकते टेन में भी क्या आता है हमारे पास परपेंडिकुलर आता है और वो हमें गिवन नहीं है इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे यहां पर एक एक्ट्रिग्नोमैटिक रेशो का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सारी कॉज ऑफ थीटा तो कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर बेस क्या है ठीक हाईपेड न्यूज क्या है आर यहां लिख दीजिए ठीक है बच्चों अब ये क्या होगा ये जो आर है ना इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉज थीटा कॉस को मैं यू लिख देता हूं एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा ये आगे जी हमारा एक रिलेशन ठीक है बच्चों अच्छा अब ये जो आर है ना आर आर है हमारे पास रेडियस ठीक है अब बच्चों एक बात याद रखें कि जब ये बॉडी यहां से मूव करके इस पोजीशन के ऊपर होती है यहां पर अब इसका अलोंग द एक्स एक्सिस अगर देखा जाए तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ठीक है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स नॉट से शो करते हैं और वो रेडियस के बराबर होता है ठीक है तो यहां पर आपने शो कर देना है कि आर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो हम इसको यू लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा ओके ये इक्वेशन मिल गई हमें यहां पर बस राइट अच्छा अब हमने तो कहा था हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलनी चाहिए तो कोई मसला नहीं बच्चों यही इक्वेशन उसमें चेंज हो जाएगी आपको याद होगा आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का एक फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था एंगुलर प्लास्टिक ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम तो इसी इसी रेफरेंस से जरा देखिए थीटा फिर किसके इक्वल होगा ओमेगा इनटू टी के है ना ओमेगा टी के इक्वल होगा फिर तो यहां पर थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर देते हैं सिंपली तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी ठीक है कॉस ओमेगा टी आ गई थी हमारे पास वो इक्वेशन जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी सिंपल हम डिस्प्लेसमेंट के, के लिए चाहिए होती है यह है वो इक्वेशन अब आप कहेंगे कि सर इसमें साथ में भी है ठीक है तो बच्चों याद रखो जब हम इसकी मोशन को यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इस पोजिशन से स्टार्ट किया अभी टाइम जीरो है इस वक्त इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो यहां से बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया साथ ही टाइम चलता जा रहा है ऐसे अब अगर तो बॉडी जीरो से स्टार्ट हो ठीक है तो फिर तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे लेकिन अगर ऐसा हो कि जब आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया या जब अभी टाइम शुरू नहीं हुआ सपोज अब यहां से पॉइंट पी से इसकी मोशन को स्टार्ट करते हैं तो उसने पहले से कुछ एंगल स्वीप किया हुआ है वो एंगल कितना थीठा या उस एंगल को हम या कुछ भी पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू हो सकती है वो एंगल हमारा फाइव होता है जिसको हम फेस कहते हैं ठीक है तो अब क्योंकि हमने तो जीरो से स्टार्ट किया इसलिए हमारा फेस जो है वो जीरो डिग्री होगा ठीक है पहले से इसने कुछ भी एंगल बनाया हुआ नहीं था अलॉन्ग द होल एक्सिस इसलिए यहां पर फाइव की वैल्यू जीरो तो हम फाइव नहीं लिख रहे सिर्फ कॉज ओ मेगा टी ही लिख देंगे तो ये काफी है फाइव कब आएगा जब आपका जो मोशन स्टार्ट हुआ वो तो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ वो यहां से यहां से यहां से, यहां से कुछ पहले से एंगल स्वीप किया हुआ था अलोंग द एक्स एक्सिस वहां से आपने मूव करना स्टार्ट किया तो फिर आप उसमें फेज देखेंगे ये वो फेज है फाइव ओके बच्चों तो ये हमें इक्विजन मिल गई अब हमने क्या फाइंड करना है जी मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ठीक है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होता है उसके लिए जो हम विज़न यूज करेंगे ना बच्चों वो हम ये वाली यूज करेंगे ये वाली आसानी से इसे देख सकेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा राइट अब जरा सोचो कि आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन मेन पोजिशन है ठीक है अगर यह बॉडी यहां से इस पोजिशन पर हो ठीक है तो अब यह मेन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है यानी जब एंगल आपका जीरो है ठीक है यह देखो ना बच्चों यहां से मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देखो जब यह वेक्टर ऐसे है इसका जो होरिजेंटल कंपोनेंट है वो छोटा इतना सा कंपोनेंट है जब इसको मैं थोड़ा टर्न करता हूं नीचे की तरफ लेकर आता हूं ऐसे तो अब इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो इंक्रीज कर गया मैं इसको और नीचे की तरफ लेके आता हूं ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इंक्रीज कर गया और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब होगा जब ये बिल्कुल इस तरह अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा समझ गए तो जैसे जैसे इसका एंगल कम करता जाऊंगा कम कर, कर, करता जाऊंगा जब ये इस तरह से आ जाएगा जीरो डिग्री के एंगल के ऊपर अलोंग द हॉरिजॉन्टल आ जाएगा इस सूरत में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा ठीक है सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री अगर थीटा जीरो डिग्री होगा तो आप जानते हैं बच्चों के कॉज थी कॉज जीरो डिग्री पे होता है हमारे पास, वन तो आपको ये मिलेगी वैल्यू मैक्सिमम एक्स इज इक्व एक्स नॉट कॉज ऑफ जीरो वह बराबर होगा एक्स इज इक्वस टू एक्स नॉट ये किसके इक्वल तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट यानी आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ठीक है बच्चों इसी तरह से फिर आप मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अब देखो बच्चों जरा सोचो जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि इस सिचुएशन में यहां पर होरिजेंटल है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कंपोनेंट छोटा होता जाएगा ऑरिजेंटल कंपोनेंट छोटा होता जाएगा ऑरिजेंटल कंपोनेंट छोटा हो जाएगा जब यह बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगा तो अब इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका जीरो तब हो रहा है जब आप बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल पोजिशन में आ जाते हैं अब आपका होरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा जीरो होगा तो वर्टिकल पोजिशन में आने का मतलब है कि आपने एंगल कितना बनाया नाइनटी डिग्री का विद एक्स एक्सिस ठीक है नाइनटी डिग्री का एंगल बनाया तो जब आपका जो एंगल है थीटा वो कितना होगा इफ थीटा इज इक्वस टू नाइंटी डिग्री ठीक है अगर एंगल थीटा कितना होगा नाइनटी डिग्री तो उस सूरत में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा ठीक है तो बच्चों आप यहां पे लिख भी सकते हैं एज वी नो डैट कॉज 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है जीरो के ठीक तो उसके मुताबिक जहां पर पुट कीजिए वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 90 डिग्री तो कॉज 90 में क्या होता है जीरो होता है सो एक्स इज इक्वल टू जीरो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ठीक है बच्चों तो यहां पर हमने क्या किया जरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए बच्चों द देंटल डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना था ये आगे हमारे पास वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल का ये वाला कंपोनेंट हमने फाइंड करना है समझ गए अच्छा, तो बच्चों सिंपल सी बात है ये है हमारे पास x आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसके अंदर बेस आए और उसके अंदर हाई बार आए है कॉज है करली तो कॉस इट इज इक एक्स ओवर आ जाएगा समझ गए अच्छा अब जरा देखिए यहां पर आर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स के लिए फॉर्मूला तो ये जो आर है ना आर आर हमारे पास रेडियस है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है जब ये बॉडी इस तरह जीरो पर होगी इस वक्त इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और वो डिस्प्लेसमेंट रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है इसलिए एक्स की जगह हमने आर से रिप्लेस कर दिया इतना सा काम किया हमने फिर जो एंगल थीटा था इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू से इसके थीटा की वैल्यू निकाली ओमेगा मैगा के इक्वल होती है यहां पर पुट कर दी बस इतना सा काम है इक्वेशन रेडी होगी हमारी अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर आपको भूल भी जाए तो बच्चों ये देखो यहां पर इसके फंक्शन के अंदर कॉज है और काज जीरो होता है जब आपका एंगल कितना हो नाइन्टी डिग्री का थीटा की वैल्यू कितनी हो नाइन्टी डिग्री ठीक है तो आपको जीरो, मिलता है, जीरो, एक्स से जीरो कर देगा, और काज की पे क्या होगा वन हो जाएगा तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमारा पहला पॉइंट था और यहां पर देखिए एक पॉइंट हमारा यहां पर प्रूव भी हो गया ठीक है अब इसी तरह से हम बढ़ेंगे जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ क्योंकि हमने देखा था के जो होर्जेंटल डायमीटर है इसके अलोंग बॉडी का जो शेडो है वो वाइब्रेट कर रहा है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं अब हम उसकी वेलोसिटी जरा देख लेते हैं सबसे पहले बच्चों इस डायग्राम को जरा सीखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे ठीक है देखो बच्चों हमारे पास ये उसी बॉडी की डायग्राम है यहां पर है वो बॉडी मौजूद है पॉइंट पी के ऊपर अब इसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो अलोंग द टेंजेंट होती है आपको पता है ना कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही होती है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं ऐसे सर्कुलर पाथ यहां पर इसकी वेलोसिटी ऐसे यहां पर वेलोसिटी ऐसे इधर से ऐसे इधर से, से इस तरह से ऐसे तो अलोंग द टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है बच्चों एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं राइट right? तो बच्चों ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट ठीक है ओके लेकिन हमने क्योंकि सिर्फ हॉरिजेंटल एक एक्सिस के अलोंग डिस्कस करना है मोशन को तो यहां पर वेलोसिटी भी हम सिर्फ और सिर्फ अलोंग द दॉरिजेंटल एक्सिस ही कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई हमारे पास ये वेलोसिटी वी ठीक है इसको ब्रेक करेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट ये वाला आ गया अलोंग द वाई एक्सिस और ये एक कंपोनेंट आ गया अलोंग द एक्स एक्सिस ठीक है तो ये वाला जो कंपोनेंट है वी एक्स ये अलोंग द एक्स एक्सिस है ठीक है डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हुआ ये देखिए ऐसे ठीक है और ये कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में इस तरह से ये देख सकते हैं आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कवर होता है यहां से यहां तक ठीक है इधर को डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और बच्चों क्या हुआ जी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और इसी वेलोसिटी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है अब जरा देखिए कि यहां पर आपको कैसे पता चला कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा यहां पर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट आता है बच्चों कि अगर दो लाइंस हैं एक ये पहली लाइन और ये एक दूसरी लाइन इनके दरम्यान एंगल थीटा है ठीक है तो इनके परपेंडिकुलर्स के में भी सेम एंगल होगा इसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रा ड्रा कीजिए कीजिए यहां यहां पर इसका यहां पर इसका तो उनके अंदर भी एंगल कितना होगा थीटा ही एंगल होगा अब जरा देखिए यहां पर जो है वो हमने इस पॉइंट से ऐसे प्रोजेक्शन ड्रा की थी जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे उसी को एक्सटेंड कीजिए ये पहली लाइन है अलोंग द एक्स एक्सिस ये दूसरी लाइन है जिन दोनों एंगल जिन दोनों लाइन ने मिलकर एंगल थीटा बनाया हुआ है पहली लाइन ये वाली उसका परपेंडिकुलर ये ठीक ऐसे दूसरी लाइन ये वाली उसका परपेंडिकुलर ये आपको कैसे पता लगा ये परपेंडिकुलर है बच्चों कंसेप्ट याद रखो ये रेडियस का टेंजन के साथ एंगल हमेशा नाइनटी डिग्री होता है ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो ये पर होंगे तो देख लो एक ये लाइन दूसरी ये लाइन ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका परपेंडिकुलर तो जो एंगल इन दो लाइंस के दरम्यान में होगा वही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के दरम्यान में भी होगा तो ये एंगल कितना होगा जी थीटा समझ गए ओके अब बच्चों यहां पर ये एंगल थीटा के सामने वाली ये साइड है ये साइड परपेंडिकुलर है ये साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर क्योंकि आपको यह कंसेप्ट पता होगा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है

तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होगी प्रिपेंडिकुलर ये साइड क्या होगी प्रिपेंडिकुलर समझ गए और आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं बच्चों मैं। तो क्या है? आपने क्लास में सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जस्ट रिवाइज करेंगे उसको ये देखिए ये एक फोर्स एफ थी ऐसे ठीक है यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते थे यहां पर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया अब ये एंगल थीटा अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर होता था पर हम तो या? हमारा वैक्टर क्या है वी ठीक है अब परपेंडिकुलर यह है और बेस ये है यह बन जाएगा वी कॉस थीटा ठीक है और यह क्या बन जाएगा वी साइन थीटा समझ के मैं फिर से यहां से आपको बना के दिखाता हूं देखो यही इसी तरह से अब हमारे पास मान लीजिए कि एक वेक्टर है v ठीक है ये v वेक्टर है समझ गए अब इसका जो यहां पर है मान लीजिए यहां पर एंगल थीटा है तो ये पर होगा इसको लिखेंगे v साइन थीटा ये क्या होगा v कॉस थीटा तो याद रहे थीटा के अपोजिट साइड v साइन थीटा होगी है ना और दूसरी v कॉस थीटा समझ गए अब यही कंसेप्ट आपने इस्तेमाल करना है बच्चों यहां पर ठीक यह है यहां देखिए ये आ गई हमारी ट्राइंगल ट्राइंगल में एंगल ये थीटा थीटा के अपोजिट साइड आ गई और थीटा के साइड क्या होती है परपेंडिकुलर अब अगर वेक्टर वी का ये एक कंपोनेंट है तो ये क्या होगा वी साइन थीटा तो यहां पर इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे कि जो हमारे पास वेलोसिटी होगी अलोंग द एक्स एक्सिस वो होगी जी वी साइन ऑफ थीटा समझ गए अच्छा मैंने काफी डिटेल में इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी तो वी साइन थीटा मिलेगा आपको ओके उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद यहां पर हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है एंगुलर का और लींदर वेलोसिटी का रिलेशन वो क्या रिलेशन है वो था वी इज इक्वस टू आर टाइम ओमेगा पढ़ रखा है ना आप चाहें तो यहीं पर लिखते इसके साथ ही लिख देते वी इज इक्व आर टाइम ओमेगा यह रिलेशन आपने पढ़ रखा है इस रिलेशन को हम यहां लिखते हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसकी साइड के दरमियान रेशियो तो हम इसको साइड्स के दरमियान रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे साइन थीटा किसके पर होता है सम पीपल है पेंडिकुलर ओवर हाई पार्टन्यूज ठीक है अब जरा यहां देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल, एंगल थीटा मौजूद है तो ये थीटा एंगल है इसके अंदर थीटा मौजूद है तो ये इस ट्राइंगल की साइड्स के दरम्यान रेशो हो सकती है ठीक है अब इसमें देखें सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाईपाइटन ये परपेंडिकुलर यह हाईपाडन्यूज तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें पता नहीं है यहाँ पर तो हम इसको फिर चेंज नहीं कर सकते किसके अंदर ये साइड्स की रेशो की फॉर्म में तो फिर हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद हो साइन स्केयर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्केयर ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है वन के समझे बच्चों ओके तो यहां पर जो है वो आप ऐसा कर लें साइन स्केयर थीटा को इधर ही रखें और कॉस स्केयर को उधर ले जाए वन माइनस काज स्केयर ऑफ थीटा हमें साइन की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहां पर साइन है तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे यहां क्या रह जाएगा साइन थीटा और इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा वन माइनस कॉज स्केयर ऑफ थीटा तो ये साइन थीटा इसके बराबर होता है तो यहां साइन थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे इस टर्म से तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी जी आपके पास टर्म आ जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा इन स्केयर रूट ऑफ वन माइनस

थीटा इज तो आपको क्या मिलेगा वी तू आर और यहां पर आएगा जी वन माइनस की जगह क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर ओवर आर का स्केयर क्योंकि कॉस बराबर है एक्स वा आर के अब इसका यहां पर आपने लेना है एल्शियम तो वी एक्स आपके पास आ जाएगा आर टाइम ओमेगा यहां पर एल्शियम ले लीजिए एल्शियम आ जाएगा जी आर का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई आर का स्केयर ठीक है अच्छा अब नीचे वाला जो स्केयर है वो अंडर रूट से कट जाएगा ऊपर वाले नहीं कट सकते क्योंकि ऊपर होल अंडर रूट है तो होल स्केयर चाहिए वी एक्स उसी तरह से रहा इज इक्वल टू आर ओमेगा उसी तरह से रहा अब ऊपर वाला इसी तरह से आर का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर रहा और नीचे वाला जो है वो स्केयर रूट से कट के सिर्फ आर रह गया ये वाला आर और ये वाला आर आपस में कट जाएंगे। तो आपको मिलेगी वैल्यू वी एक्स इज इक्वस टू ओमेगा इन टू आर का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर तो मैंने आपको बताया कि ये जो आर है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी एक्स नाट के इक्वल है तो यहां पर आप इसको रिप्लेस कर देंगे वी एक्स इज टू ओमेगा इंटू एक्स नाट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर ये आ गया जी हमारे पास एक इसका फाइनल रिलेशन वेलोसिटी के लिए अब बच्चों हमने मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले देखते हैं जी मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी इसकी ठीक है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा था एक मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ा था एक पेंडुलम को पड़ा था उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती थी जब वो मेन पोजीशन पर होता था एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जीरो ठीक है ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो मेन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम ठीक है तो यहां पर आपने ऐसे ही कुछ सिचुएशन को डिस्कस करना है ठीक है और प्रूव करना है इसको देखो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम किस पोजीशन के ऊपर जब वो मेन पोजीशन पर हो तब इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम अब जरा सोचो अगर ये पॉइंटर जो है वो मेन पोजीशन इसके ऊपर है तो इसका मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो जब कोई बॉडी मेन पोजिशन के ऊपर पड़ी होती है तो फिर उसका मेन पोजिशन से तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना तो उस सिचुएशन में आपके पास जो ये जो x है x की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन इज जीरो ठीक है तो वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी व्हेन द बॉडी इज प्रेजेंट एट द मेन पोजिशन और एट द मेन पोजिशन x की वैल्यू क्या होती है जीरो यानी मेन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो जब बॉडी मेन पोजिशन के ऊपर पड़ी है तो फिर मेन पोजिशन से तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो अब इसको यहां पर पुट करके देखते हैं क्या वाकई वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है जब हमने x किया है तो अभी पता चल जाएगा ये देखो बच्चों वी एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आपने क्या पुट कर देना जीरो अब यह जीरो हो गया सिर्फ कह रहेगा एक्स नॉट का स्क्वायर ठीक है तो x नॉट का स्केयर जो है वो इससे कटेगा यहां पर ओमेगा भी है इज इक्वल्स टू ओमेगा और साथ में ये अब देखो ये आ गया जी ओमेगा उसी तरह से ये वाला ओमेगा उसी तरह से आ गया x की जगह हमने जीरो पुट कर दिया था वो खत्म हो गया x नॉट का स्केयर इससे कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको x नॉट फिर से सुनो बच्चों हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर होती है मीन पोजिशन पर उसका फासला क्या होता है मीन पोजिशन से जीरो तो x की वैल्यू उस पोजिशन पर होती है जीरो यहां पर पुट करके देखा कि वाकई ही यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है तो अभी चेक कर लेते हैं तो यहां पर आपने ओमेगा की जगह ओमेगा उसी तरह लिखा x नाट की जगह x एक्सनाट उसी तरह लिखा अब ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम द मेन पोजिशन जो कि के इस केस में जीरो होगा ठीक है तो ये जीरो मतलब खत्म हो गया सिर्फ एक्स नाट का स्केर है स्केयर इससे कट जाएगा तो आपको एक्स नॉट मिल जाएगा और साथ में ये होगा तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है समझ गए इसी तरह से फिर हम बात करेंगे जी मिनिमम वेलोसिटी की ठीक है मिनिमम वेलोसिटी अब आपको पता है कि एक बॉडी जो सिंपल परफॉर्म कर रही है अगर तो उसकी जो एक्सट्रीम पोजिशन होती है यहां पर एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर क्या होती है जीरो

हमें क्या वैल्यू मिलती है वी एक्स इज इक्वस टू ओमेगा इन टू एक्स नाट का स्केयर माइनस यहां पर हम एक्स नाट का स्केयर ही पुट करेंगे क्योंकि एक्स किसके बराबर है एक्सनाट के तो एक्स का स्केयर किसके बराबर होगा एक्सनाट के स्क्यर के तो एक्सनाट का स्केयर माइनस एक्स नाट का स्केयर क्या हो जाएगा जीरो

इसी तरह से बच्चों अब हम एक्सेलेशन को भी अलोंग द होरिजेंटल डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और आप जानते हैं कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसमें जो एक्सेलेशन होता है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से बॉडी मूव कर रही है इसमें एक्सेलेशन सेंटिपिटल एक्सेलेशन जिसको ए से शो किया जाता है और ये टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रहा है समझ गए अच्छा लेकिन हमने जस्ट अलोंग द दॉरिजेंटल डायरेक्शन एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है समझ हो? तो बच्चों क्या करोगे देखो यहां पर हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है ठीक है ये ऐसे एक ट्राइंगल बन रही है इस तरह से अब इसमें यहां पर एंगल क्या है दी थीटा, ठीक ये है ए सी और ये क्या है हमारे पास ए एक्स राइट अब आपने यहां पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करना है कि जिसके अंदर ये बेस और यह हाई पर्टन्यूसारे तो वो कौन से अभी, अभी हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास होती है, तो का करते मैं यहां पर लिखता हूं थीटा इस तो क्या होगा करली ब्राउन बेस और बेस क्या एक्स जिसकी वैल्यू हमने ठीक है थीके? और इसको जो हाईपर्ट न्यूज ए सी लिख दें सिंपली ए लिख दें तब भी ठीक है ए समझ गया ए सी लिखना चाहते हैं छोटा छोटा सा सी लिख दें साथ में ऐसे ओके तो अब ए सी जो है वो अच्छा अब बच्चों आपको यहां पे जब आपने एक सर्कुलर मोशन को चैप्टर फाइव में डिस्कस किया था तो वहां पर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी ए सी की वैल्यू कितनी होती है माइनस आर ओमेगा का Scale. ये वैल्यू आपने सीखी थी ठीक है अब उस वैल्यू ठीक है थीके? इस ट्रिग्नोमैटिक रेशियो की आपने यहां पर वैल्यू पुट करनी है तो बच्चों यही डायग्राम मैं यहां दोबारा से बनाता हूं ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है एक तो ये वैल्यू ये ए के बराबर है ये एक्स के बराबर है लेकिन ये साथ ही साथ ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर भी है और ये एंगल थीटा है और ये जो एक्स है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को शो करता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये देखिए ये एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये आर क्या है ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द सर्कल तो इस तरह भी शो कर सकता हूँ तो hair, कर्ली ब्राउन हेयर ठीक है यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूंगा कॉज की माइनस आर और का स्क्वायर कॉज क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज बेस क्या है एक्स और हाइब्रिड न्यूज क्या है आर ठीक है तो इस तरह से ये जो आर है इस आर से हो जाएगा कैंसिल तो आपके पास बच्चा ए एक्स इज तो एक और कंडीशन यहां पर प्रूव होगी जो आपने देखनी थी यहां पर देख सकते हैं आप इज एक टू माइनस एक्स ओमेगा का स्केयर समझ गए और अगर आपको याद हो ये ओमेगा स्केयर जो है ये कॉन्स्टेंट है ठीक है ये कॉन्स्टेंट है ओमेगा और जी इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास जी ये होती है जी हमारे पास k बाय के ऊपर ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के बाई एम सही है जब आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था तो वहां पर आपको ये याद होगा आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन आता था वो था जी k डिवाइडेड बाय एम इन टू माइनस एक्स ऐसा रिलेशन आता था और इस k बाई एम को जो है वो ओमेगा स्क्वायर से हम शो करते हैं ये कॉन्स्टेंट है इसकी जगह हम ये इक्वल और कॉन्स्टेंट को हटाएंगे ठीक है तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास माइनस एक्स तो प्रूव हो गया कि एक्स रिलेशन जो है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन के साथ कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा मेन पोजिशन से तो एक्सलेशन की वैल्यू बढ़ेगी अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा मेन पोजिशन से तो एक्शन की की वैल्यू भी या उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास कम होगा तो ये सबसे मेन फीचर जो था एस एच एम का वो हमने प्रूव कर दिया इसका मतलब है कि ये जो इसकी प्रोजेक्शन एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही थी उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती हैं तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि इसकी जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है ओके अब लास्ट में बच्चों इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए भी हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं टाइम पीरियड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए उसके लिए भी हम एंगुलर वेलोसिटी का सहारा लेंगे आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टाइम टी ओके अब इसके अंदर टाइम पीरियड को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ठीक है और सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए ये एक सकल कंप्लीट करती है तो फिर इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा वो एंगल इसका होगा जी टू पाई या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टू पाई अगर ये सिर्फ एक सैकल घूमे तो एक चक्कर मुकम्मल करने का जो टाइम होता है उस टाइम को फिर क्या कहते हैं उस टाइम को फिर हम कहते हैं टाइम पीरियड इसलिए साथ में यह कंडीशन लिखिए इफ थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई ओके, देन टाइम विल बी इक्वल्स टू टाइम विल बी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पीरियड ओके तो यहां पर लिख दीजिए टाइम पीरियड अब ये टाइम पीरियड टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है इसको ऊपर ले आए ओमेगा नीचे चला जाएगा सो टी इज इक्वल्स टू टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ये टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया ठीक है अब सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो वहां पर ओमेगा की वैल्यू कुछ और तरह से आएगी मैस अटैच स्प्रिंग की बात करेंगे वहाँ ओमेगा की वैल्यू कुछ और तरह से आएगी इसलिए थोड़ी थोड़ी वेरिएशन इनके फार्मूले में आ जाती है लेकिन जो टाइम पीरियड के फार्मूले बनेंगे वो बनेंगे इसी रिलेशन के साथ तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं الله حافظ